प्रीवियस एडजस्टमेंट्स के। याद रखना, अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कोई भी रिजर्व, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिजर्व ही नहीं, सिर्फ अगर कोई भी फंड होगा, चाहे रिजर्व हो, स्पेसिफिक फंड हो, रिजर्व फंड हो, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट, इज दैट क्लियर? और अगर गुडविल हो या जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो, वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। मगर पॉइंट टू बी नोटेड, अगर डेबिट साइड से दिया होगा, किस साइड से दिया होगा, तो पार्टनर के क्रेडिट साइड से लेना है, पार्टनर के। हाँ, अलबत्ता अगर क्रेडिट साइड से दिया हो, पार्टनर के डेबिट साइड से लेना है। शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए, अगर रिजर्व होता है ना डेबिट साइड, हम किस साइड लेते हैं, क्रेडिट साइड, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, देखो रिजर्व फंड है डेबिट साइड, यह आएगा पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब देखो क्रेडिट साइड में अगर देखेंगे, गुडविल है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, ये किस साइड है, क्रेडिट साइड, किस साइड आएंगे, डेबिट साइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, पहले ये पॉइंट आप कॉपी करें, उसके बाद में क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अच्छा क्या था मना, हाँ, एनपीआर पार्टनर्स इन 3:2 हैविंग बैलेंस्ड एज फॉलोस। कैपिटल है, रिजर्व फंड जो है ये सबसे पहले एडजस्टमेंट है, ठीक है, और क्रेडिटर है, देयर इज लैंड बिल्डिंग डेटर प्रोविजन। ओ देयर इज अ पॉइंट माय डियर, डेटर है ना 1,05,000, डेटर कितना है 1,05,000, लेस प्रोविजन है ना 5,000, ये 1,00,000। यहां पे पॉइंट आज आपको समझना है, और गुडविल एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, था भाई नजरिया, गुडविल और जॉइंट लाइफ, गुडविल और जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट साइड से है, पार्टनर के डेबिट साइड से आएंगे, बिकॉज ये प्रीवियस एडजस्टमेंट है। ठीक, इसके बाद सीज एडमिट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5, ब्रिंग्स 3,00,000 एज कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ प्रीमियम इन, अपना प्रीमियम लाता है ये कैश में, वो कितना होगा वो हम देखेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म क्या है, 2,00,000। नहीं, यहां पे देखो जरा जरा बताओ बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म क्या है, अगर गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो है 2,50,000, अब जो नया पार्टनर है ना सी, उसका शेयर क्या होगा, रेशो क्या है उसका, 1/5 इंटू 2,50,000 बेटा, दैट इज इक्वल, एक तो वो कैपिटल आएगा अपना, एक तो वो कैपिटल आएगा अपना, दैट इज 3,00,000, और लाएगा 50,000। इस गलती करे क्या ना, 2,50,000 या अच्छा गुडविल ऑफ द फर्म जो क्वेश्चन में दिया है, दैट इज गुडविल ऑफ द, इज दैट क्लियर? एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सी शेयर, यू हैव टू फाइंड आउट द, आर यू गेटिंग माय डियर? उनके 3 लेक्चर रिवैल्यूएशन, त्रेम लेक्चर, ठीक छस कचम लेक्चर, त्रेम लेक्चर, ओके माय डियर, हेलो। नाउ द क्वेश्चन सेज, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज बाय 10% ईच, जमीन का वैल्यू बढ़ गया, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, बेटा कहां से आएगा, क्रेडिट साइड से, बेटा लिखिए बाय लैंड 10/100 इंटू 3,00,000, सो दैट्स इक्वल टू 30,000। बाय बिल्डिंग बेटा 10/100 इंटू बेटा बिल्डिंग का वैल्यू क्या है 2,00,000, सो दैट्स इक्वल 20,000। आई होप आपको ये समझ आया। नाउ द क्वेश्चन सेज क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर्स, गोबर सुरकाओ कलम चुथा या पर रोहित विषय पर था या पर गोबरा तला जाना रोहित तुल थोड़ विषय पर। नाउ द पॉइंट इज क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर्स, बेटा यहां पे याद रखना, प्रोविजन फॉर, प्लीज माय डियर, प्रोविजन फॉर कितना लेना है, 10% अगर आप वहां पे देखेंगे, वहां पे दो डेटर्स है, एक है 1,05,000, उसमें इन्होंने माइनस किया है 5,000, और जो बाहर इन्होंने अमाउंट लिया है वो है 1,00,000। तो याद रखना जो वहां पे 1,05,000 है ना, उसी पे लेना होता है, किस पे, 1,00,000 जिसमें ये प्रोविजन माइनस करते हैं, तो उसी 1,05,000 पे आपको लेना होता है। टफ मत लगा,
टफ मत लगा, प्लीज माय डियर, फिर से समझ, फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। 10% और 1,05,000 आ गया, कितना आ गया? 10% 1,05,000। सुगुनस 10,05,000। अब मुझे बताओ 10,05,000 यू गसान एस 10% 1,05,000। ऑलरेडी हमने कितना रखा है? ऑलरेडी हमने रखा है ना 5,000, तो यहाँ पे 5,500 आएगा। टफ लगा? मैं समझाऊंगा बेटा, हमें टोटल रखना था 10,500, उसमें से हमने 5,000 रखा है ना पहले। 1,05,000 माइनस 5,000, दैट इज इक्वल टू 1,00,000, दैट इज इक्वल, इज दैट क्लियर? अब बात समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आप 10% रखिए, मैंने 10% ऑन 1,05,000 ले लिया, वो हो गया 10,500। अब हमने ऑलरेडी कितना रखा है? तो अब हम इस साल जो रखेंगे वो रखेंगे 5,500, क्योंकि पिछले साल हमने रखा था 5,000। बेटा फिर से देखिए, फिर से देखिए ये पॉइंट, नया पॉइंट है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रोविजन फॉर डेटर रखें 10%। हमने जब 10% रखा, 10% ऑन 1,05,000, सो कूता गो 10,005, कूता गो वना चुम था 10,005, ऑलरेडी कूता थूमत 5,000 चुना थूमत, तेल कूच था यूस 5,500, वही 5,500 तो मैंने यहाँ पे ले लिया। टफ मत लगा, टफ मत लगा, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%। इफ यू हैव क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10%, वो कितना होता है बेटा? 1,05,000, और ऑलरेडी 10% 1,05,000 वो होता है 10,500। ऑलरेडी कितना रखा है हमने? 10,500 माइनस 5,000 गो इस था वो यूज 5,000, क्या था वो? यह समझ आओ बस, ठीक छा। क्वेश्चन चुन मैं टोटल था 10,500, कूता था 10,000, मे ना ऑलरेडी थे मित 5,000, तेल कूद था बो भाई, टफ मत भाई, दैट्स योर आंसर। और ये 5,500 मैं इस साल रखूंगा, ठीक बेटा। अब मुझे बताइए यहाँ से कितना है 50,000, यहाँ से कितना है 5,500, बड़ा कौन सा साइड है वो? सो देर इज प्रॉफिट, देर इज कन्फ्यूजन, किसी जगह कन्फ्यूजन? ये नया पॉइंट है, इस जैसे पॉइंट आपको बुक में पाएंगे आप, ठीक है। तो चलो बताइए बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया? 50,000 यहाँ से भी लिखेंगे और 50,000 यहां से भी लिखेंगे, जो आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 50,000 माइनस 5,500, बेटा कितना हुआ? 44,500। ये किस पे में देना है आपको? किससे देना है? ए एंड बी को, टू ए टू बी। बेटा रेशियो क्या है? 3/5, 2/5 इंटू 34,500 इंटू 44,500 कितना हुआ? या चल मैं फोटो तुम्हें चेस कैलकुलेटर जाना समझ में, हाँ 2,670 और इसके बाद 178 था भैया, हो गया ये वन क्या कैपिटल अकाउंट चे वन क्या भाया वन सा कोबरा कैपिटल्स क्या सबसे पहला स्टेप, पहला स्टेप बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी, मनो भाया एस क्या कैपिटल 2,00,000, मनो बीएस क्या कैपिटल, क्या सी का कैपिटल है, क्या सी का कैपिटल है मत है पढ़िया सी एस मच कैपिटल। अब सी क्या लाता है? कैपिटल। तो हम क्या लिखते हैं दूसरा स्टेप बाय, जरा बताए बेटा सी ने कितना कैपिटल लाया? और क्वेश्चन कह रहा है ना बेटा, सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये अपना प्रीमियम लाता है कैश में, अपना प्रीमियम कितना बेटा 50,000। सर आपने कहां से निकाला? बिकॉज गुडविल ऑफ द फर्म देखी थी, कितनी थी 2,50,000, और हमने इसका प्रीमियम देखा 50,000। आर यू गेटिंग माय डियर? अब मुझे बताओ यहां पे प्रीमियम लिखे
एज पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज 3:2। सर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये तो ओल्ड रेशियो है। व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड रेशियो बिकम्स वन। सब भैया प्रीमियम कूदा, प्रीमियम छा 50,000, यमिस ये 30,000, यमिस कूदा ये 20,000। सर कैसे 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ओके। इसके बाद कोई प्रॉफिट है, रिवैल्यूशन प्रॉफिट? यस सर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एज पर ओल्ड रेशियो। आपने फिर से ये कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि आपने कैलकुलेट किया है। 2,6,700, 1,7,800, इज दैट क्लियर? अब बता दीजिए क्या कोई प्रीवियस एडजस्टमेंट है, कोई रिजर्व है वहां पे? कोई रिजर्व है? कितना है? 1,00,000। किस साइड है ये? किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। रिजर्व फंड ओल्ड रेशियो 3:2। सर देयर इज 1,00,000, 1,00,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, दैट इज 60,000। और इसे आएगा 1,00,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, दैट इज 40,000। यहां तक ठीक? यहां तक ठीक? ओके बेटा, अब देखो पहला क्वेश्चन है जिसे डेबिट साइड से भी आया। क्रेडिट साइड से एडजस्टमेंट क्या है वहां पे? क्या है? गुडविल दी है, दी है गुडविल। किस साइड है? किस साइड लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? टू गुडविल एज पर ओल्ड रेशियो। क्या बेटा? ये कुछ बेटा 10,000 शेयर्स, सो इसे आएगा बेटा 6,000 और इसे आएगा, टफ मत लगा, इसे आया 6,000 और इसे आया 4,000। और है जॉइंट लाइफ। सर आपने ये डेबिट साइड से क्यों लिखा? सर आपने ये डेबिट साइड से क्यों लिखा बेटा? ये क्रेडिट साइड से था इसीलिए हमने किस साइड ले ली? डेबिट साइड। ठीक है, ऐसे आप याद रखना बेटा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना है? 20,000, तो इसे आएगा 12,000 और इसे आएगा 8,000। इज दैट क्लियर? बस ठीक है। खुदा जमत त्रे लुर सत हत हे ठीक है। हाँ त्रेवु त्रे शेठ खुदा त्राट कचरे गोवा 3,00,000 क्या? हाँ अब है परेज है यो है टोटल लग भी या पर सर क्या जज पढ़ाया है? त्रे लाख शुरा सात सात 3,77,800, 3,00,000 यथा जो टू बैलेंस सी ओब्लिक डी ए छा ए त्रे लाख शुरा सात सात हत अत कर माइनस 18,000 याद है? ये बी एस क्यों 3,77,800 माइनस कर 12,000 सी एच ई 3,00,000 माइनस निल। मैं 3C करता हूँ आप बाकी करें। जरा करे 3,16,700 3,16,700 माइनस 18,000 2,98 चला 3,77,800 3,6 ओके चलो। हाँ सबसे पहले कैपिटल ले ले बैलेंस शीट में। कर सब शोर बैलेंस शीट में जा तला वो एम ए हिसाब या कैपिटल छा गोड। अब हमें मत है ए और बी, हमें है ए बी और सी।
बेटा ए का कैपिटल ये 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 लेना है, ए का कैपिटल है 298, बी का और सी का 15 अकब कैरी, 9 पांच गए 14 अकब कैरी, 10 गए 16 अकब कैरी, 13 गए 17 गए 9, 964500। हाँ इसके बाद है रिजर्व फंड, और क्या है रिजर्व, क्या हम लिखे रिजर्व फंड यहां पे? नहीं सर, क्यों नहीं, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद क्या है क्रेडिटर, बेटा कितना है क्रेडिटर? ओके खबर नजर ओ, अब देर इज लैंड, लैंड कितना है 3 लाख, द वैल्यू ऑफ लैंड हैज बीन इंक्रीज बाय 10%, लैंड कुछ बड़ी मत वैल्यू, ओके बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंग का वैल्यू क्या है 2 लाख, बिल्डिंग का वैल्यू कितना बढ़ गया 20,000, 2 लाख 20,000। नाउ देयर इज डेटर, डेटर ओसा 1,05,000, और हमने प्रोविजन जो है ना लेस प्रोविजन 10%, डेटर छह 1,05,000, अब प्रोविजन कितना रखना था 10%, पिछले साल का 5,000, इस साल का 5,500, सुकुना 10% 1,05,000, सुकुना 10,005, समझना फिर से। हेलो, ओ ये पॉइंट है पूछिया, डेटर छह 1,05,000, ये छह 1,05,000, इसने क्वेश्चन में ना 10% था, 10% 1,05,000 सुकुना 10,005, इन अदर वर्ड्स पिछले साल का 5,000 इस साल का 50 10,005 बराबर, ठीक ऐसे याद रखना, इना 5,500 करक गलतिया करक, इना 5,500 करक गोबरा गलती करक, सीधे लिखना 1,05,000 1,00,000, समझ आया ये ठीक छ, माइनस कर 10,005 ये ठीक छ, वन गोबरा कूत को चलो चलो ओके हाँ आया एम पचा गुडविल क्या वो लेंगे सर, क्यों ऑलरेडी लिया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, क्या वो लेंगे ऑलरेडी, जो ये कैश ला रहे सर कैश कितना ला रहा है, एक तो अपना कैपिटल 3 लाख, और बेटा प्रीमियम कितना लाया और क्या लाया इसने, प्रीमियम प्रीमियम कितना है 50,000, सर बेटा टोटल करें, नाइन लाख 94,500, सर ये भी करें, ठीक है।